नमस्ते साथियों, आज का हमारा विषय है वजन कैसे कम किया जाए, योग के द्वारा हम वजन को कैसे कम करें। आइए आज हम पांच आसन या एक्सरसाइज करते हैं जिनसे वजन को जल्दी ही कम किया जा सकता है या बढ़े हुए फैट को घटाया जा सकता है। सबसे पहले हम करते हैं पादहस्तासन का अभ्यास। सांस भरते हुए धीरे धीरे साइडों से हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पूरे शरीर को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और पूरा श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। अपने शरीर से जितना दूर हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूर जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। पूरा श्वास बाहर होगा, पेट को अंदर खींचने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए जैसे आए थे वैसे ही वापस ऊपर जाएंगे। टाट त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में लगभग 3 फुट का गैप करें। अपने दोनों हाथों को साइडों में उठाएं, अपने बाएं हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ करें, सांस भरें और दाईं तरफ धीरे धीरे झुक जाएं। आपको बिल्कुल साइड में झुकना है, ना आपका आगे दबाव होना चाहिए ना आपका पीछे दबाव होना चाहिए। अपने दाएं हाथ को पैर के ऊपर लगा लेंगे, पैर के ऊपर दबाव नहीं डालना है, ना मात्र ऐसे ही लगा के रखेंगे और ऊपर वाले हाथ को अपने कान के साथ स्पर्श कराएंगे, नज़र सामने। आप यहां पर आकर श्वास बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं और बाहर ही रोक सकते हैं या भरकर भी आप रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस आसन का अभ्यास दोनों तरफ से बराबर करना चाहिए। जिनका साइड का फैट बढ़ जाता है यानी कि टायर बन जाता है, जो इसको काटने के लिए बहुत विशेष आसन है त्रिकोणासन। इसके बहुत सारे और भी वेरिएशंस हैं जो हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर आपके सामने पेश करेंगे। तो ये सिंपल आसन है देखने में, लेकिन जिनका फैट बढ़ जाता है उनके लिए एडवांस आसन भी बन जाता है। धीरे से वापस टाट चक्की चाल। अपने दोनों पैरों में जितना आप कर सकें गैप करें। दोनों हाथों को सामने करते हुए अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अब जिस प्रकार से पुराने समय में माताएं बहनें चक्की चलाया करती थी, आटा पीसा करती थी, उसी प्रकार से ये अभ्यास करना है। आप सांस छोड़ते हुए आगे से अपने पंजों को क्रॉस करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ सांस भरते हुए जाएंगे और अपने घुटने को पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे हाथों से और पूरा राउंड लेंगे। पूरा सांस बाहर निकालते हुए इस प्रकार से आपने पूरा लंबा कोशिश करनी है शरीर को। और पीछे की तरफ जब आप जाएंगे अपने हाथों को नहीं मोड़ें, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें और घुटनों को पीछे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करते रहें। इसी प्रकार से आप 10 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद धीरे 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 आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जितने राउंड आप एक साइड करें उतने ही आप दूसरी साइड भी करें। रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, पैर से वृत्त बनाना। अपने दाएं पैर को 90 डिग्री पर सीधा उठाएं। अब अपने पैर को क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में पूरा गोल घुमाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जमीन के साथ स्पर्श कराते हुए पैर को ले जाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। स्टार्ट करें। बिल्कुल जमीन के पास से होते हुए गुजारें।
इस व्यायाम का अभ्यास दोनों तरफ से बराबर करना चाहिए। जैसे अभी हम क्लॉकवाइज पैर को घुमा रहे हैं, इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जितने चक्कर हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं उतने ही चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, फिर उतने ही चक्कर दूसरे पैर से भी लगाएंगे। रिलैक्स। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से भी करना है। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, अपने हाथों को खोल लेंगे। अब अपने पैरों को उसी प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करें धीरे धीरे। जितने राउंड आप क्लॉकवाइज लगाएं उतने ही राउंड आप एंटी क्लॉकवाइज भी लगाएं। अब पेट के बल लेटकर करेंगे नौकासन का अभ्यास गतिशीलता के साथ। अपने दोनों हाथों को सिर के सामने सीधा करें। अब लगातार 10 बार अपने हाथों को, सिर को और पैरों को लगातार 10 बार अप डाउन करें। अपने नेवल के ऊपर पूरी बॉडी का बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। यस, स्टार्ट, कंटिन्यू 10 टाइम्स। जब 10वीं बार आप पैरों को, हाथों को उठाएंगे तो 10वीं बार आपको ऊपर ही रोकना है। रिलैक्स। इसी प्रकार से आप इसका अभ्यास 5 बार से लेके और जितना आप मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं तो उतना करना चाहिए। इसी का दूसरा वेरिएशन पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें। अब सांस भरते हुए दोनों तरफ से बराबर उठें, अपने पैरों को उठाएं, गर्दन को उठाएं। उसी प्रकार से 10 बार अप डाउन। जब 10वीं बार आप ऊपर उठेंगे तो ऊपर ही अपने आप को रोक लेना है। रिलैक्स। स्टार्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अभी हमने जो अभ्यास किए हैं वेट रिडक्शन के लिए बहुत ही विशेष अभ्यास हैं, आप करिए और फायदा उठाइए। अपनी अगली वीडियो में हम इससे आगे का क्रम जो है वो लेकर आएंगे। वेट रिडक्शन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योग आसनों का लाभ उठाइए। थैंक यू।